हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेश ब्लूबेरी मफिन। आजकल ब्लूबेरी का सीजन है तो मैंने फ्रेश ब्लूबेरी यूज किया मफिन में। आप देख रहे हो कितना मॉइस्ट, कितना सॉफ्ट, सुपर डिलीशियस ब्लूबेरी मफिन बनके तैयार है। तो चलिए बनाते हैं आज हम ब्लूबेरी मफिन। कुक एंड बेकिंग मोना में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ फ्रेश ब्लूबेरी मफिन्स। बहुत ही यम्मी लगता है खा के, बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलिए बनाते हैं ब्लूबेरी मफिन्स। ब्लूबेरी मफिन्स बनाने के लिए हम ले लेंगे मिल्क। मैंने ये वार्म मिल्क लिया है, मैंने 150 ml मिल्क ले लिया है। उसमें डाल दिया है विनेगर, 1 tbsp विनेगर डाल करके हम इसे रख देंगे साइड में। लगभग 5-10 मिनट में बटर मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले डाल कर लेते हैं मफिन्स मोल्ड को, उसमें लाइनिंग लगा देते हैं। हमारा ये मोल्ड तैयार हो चुका है। जो हम ले लेंगे बटर मिल्क, वो ऑयल में बटर मिल्क डाल देंगे और उसमें डाल देंगे हम पिसी हुई चीनी। शुगर डाल देंगे हम उसमें 100 ग्राम, जो घर की चीनी है उसे मैंने पीस लिया था। अब उसमें डाल देंगे ऑयल 80 ml और उसमें डाल देंगे हम वनीला एसेंस, वो डाल देंगे 1/2 tsp। अब इन सारी चीज़ों को विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमारा बटर मिल्क, शुगर और ऑयल, ये तीनों अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएगा। तो वेट इंग्रेडिएंट्स हमारा मिक्स हो गया है। अब ले लूँगी स्टेनर्स, ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। स्टेनर्स मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर, 175 ग्राम्स मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है। और उसमें डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर, 1 tsp डालेंगे और बेकिंग सोडा 1/2 tsp। और अब डाल देंगे इसमें 1 pinch सॉल्ट और कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें 1 tbsp। तो इन सारी चीज़ों को डाल करके हम छान लेंगे। छानने का रीज़न ये होता है बेकिंग के टाइम कि हमारा जो है, जो भी केक है या मफिन से, वो बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। तो ये मैंने छान लिया ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। ये ब्लूबेरी के सीजन में जब आप ब्लूबेरी मफिन्स बनाते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेश ब्लूबेरी होता है ये, तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि फ्रेश ब्लूबेरी यूज़ करूँ जब भी ब्लूबेरी मफिन्स बनाऊँ। फ्रोजन बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। तो लम्ब जब तक ना ख़त्म हो जाए तब तक हमें मिक्स करते रहना है बैटर को। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं लूँगी ब्लूबेरी। ये मैंने 100 ग्राम ब्लूबेरी लिया है, उसमें मैंने 1 tsp ऑल पर्पज़ फ्लावर डाल के कोट कर लिया है। और अब बैटर में डाल दूंगी मैं ब्लूबेरी। इससे हमारा जो ब्लूबेरी है वो बॉटम में जाके चिपकेगा नहीं, बैठ नहीं जाएगा बॉटम में, ये ऊपर ही रहेगा ब्लूबेरी हमारे मफिन्स के। तो अब बैटर के साथ हम ब्लूबेरी को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब ले लेंगे हम मोल्ड, मफिन्स मोल्ड जिसमें हमने लाइनिंग लगा के रखा था। तो जो सर्विंग स्पून से मैं हर लाइनिंग में फिल करती जाऊंगी। ये ध्यान रखना कि 3/4 फिल करें ताकि हमारा जो मफिन्स है वो अच्छा सा कवर करे पूरी लाइनिंग को। मफिन्स को बेक करेंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पे 35 से 40 मिनट्स तक। तो सारे लाइनिंग में मैं डाल दूंगी बैटर को। तो ये हमारा मफिन्स बेक हो चुका है। आप देख रहे हो कितना यम्मी, कितना स्पॉन्जी और मॉइस्ट बन के तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाए फ्रेंड्स घर पे ब्लूबेरी मफिन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।